फाइनली दोस्तों बहुत सारे लीक्स और रूमर्स के बाद Realme ने Realme X को आज चाइना में लॉन्च कर दिया है। ये फोन इंडिया में भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme X के बारे में, इंडिया में इसकी क्या प्राइस हो सकती है और कब तक लॉन्च होगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन और डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफी प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा, जैसे कि हर Realme के फोन में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपको इस फोन में भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगा। ये फोन दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल होगा, एक तो ब्लू होगा और दूसरा व्हाइट होने वाला है। तो लुक वाइज फोन जो है पीछे से काफी अच्छा लगेगा, लेकिन वही बात है कि आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी इस बार भी आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। और जो डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों वो काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस प्राइस में काफी अच्छी डिस्प्ले आपको Realme X में मिलने वाली है। इस फोन में आपको 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होने वाला है। फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है, कोई भी नॉच आपको देखने को नहीं मिलेगी। पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ ये फोन आने वाला है, और साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की जो प्रोटेक्शन है वो भी डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। तो गोरिल्ला ग्लास 5 और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे इस फोन के परफॉर्मेंस को लेके, तो इस फोन में भी आपको स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट देखने को मिल जाएगा एड्रिनो 616 जीपीयू के साथ। तो गेमिंग वगैरह आपकी Realme 3 Pro के जैसी ही होने वाली है, परफॉर्मेंस भी आपको Realme 3 Pro के ही जैसी मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के मेन सेलिंग पॉइंट के बारे में, जो कि इस फोन का कैमरा होने वाला है, तो यहां पीछे की तरफ आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का होने वाला है। जो मेन सेंसर होगा दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, वो सोनी IMX586 का होने वाला है, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में भी देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, वो F1.7 एपर्चर के साथ आने वाला है, और जो सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, वो F2.4 एपर्चर के साथ आने वाला है। अगर मैं बात करूं आपसे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। यहां पे पिक्सल बिनिंग का यूज किया गया है, जिसकी मदद से आपको लो लाइट में काफी अच्छी फोटो देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा के सेंसर के बारे में, तो यहां पे आपको सोनी IMX471 का सेंसर देखने को मिलेगा F2.0 एपर्चर के साथ। फोन की एक खास बात ये भी होने वाली है दोस्तों कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी तेजी से काम करता है। और इस प्राइस में दोस्तों ऐसे फिंगरप्रिंट स्कैनर देना ये भी काफी अच्छी बात है। अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें थोड़ी सी छोटी बैटरी आपको देखने को मिलेगी Realme 3 Pro के मुकाबले। इस फोन में आपको मिलने वाला है 3765 mAh की बैटरी, और साथ में वूक चार्जिंग 3.0 का भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी के हिसाब से 30 मिनट में आपकी 55% तक बैटरी चार्ज कर सकता है। और साथ में एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि पहली बार किसी Realme के फोन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों फोन में आपको कलर OS 6 एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और ये फोन जो है सभी बेसिक सेंसर्स को सपोर्ट करने वाला है। अब अगर दोस्तों Realme X के प्राइस की बात की जाए, तो ये फोन काफी अट्रैक्टिव प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको चाइना में देखने को मिलता है 1499 युआन में, जिसको अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं 15,325 रुपए के आसपास होता है। तो ये फोन इंडिया में लगभग 15,000 के आसपास का लॉन्च हो सकता है। वहीं पे 6GB 64GB की प्राइस चाइना में 1599 युआन रखी गई है, जिसको अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 16,345 रुपए के आसपास होता है। और जो टॉप एंड मॉडल है दोस्तों 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, इसकी प्राइस चाइना में 1799 युआन है, जिसको अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 18,395 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा भी दोस्तों Realme X का एक स्पेशल एडिशन होने वाला है, जिसको मास्टर्ड एडिशन बोलते हैं Realme, और ये ओनियन और गार्लिक व्हाइट कलर में अवेलेबल होगा, जिसकी प्राइस 1899 युआन है चाइना में, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 19,410 रुपए के आसपास का होता है। तो ये है दोस्तों कंप्लीट Realme X, और ये फोन दोस्तों इंडिया में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी महीने की एंड तक लॉन्च हो सकता है। अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये बात आप मान के चलो कि इस महीने की एंड तक जो है ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। पहले जो कुछ रिपोर्ट्स निकल के आए थे दोस्तों, उसके हिसाब से ये फोन 25 मई को लॉन्च हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है लॉन्च डेट वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये फोन इसी महीने के एंड तक लॉन्च होगा। और जो 4GB रैम 64GB स्टोरेज है दोस्तों, वो आपको 15,000 या 16,000 की स्टार्टिंग प्राइस से इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों Realme X का कंप्लीट स्पेक, प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या Realme X को ही इंडिया में Realme 3 Pro बना के लॉन्च करना चाहिए था? मुझे लगता है दोस्तों जो Realme 3 Pro लॉन्च हुआ इंडिया में, उसकी जगह अगर Realme X को Realme 3 Pro बना के लॉन्च करते तो ज्यादा बेटर होता।
बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए।